गिरफ्तारी गलत है केजरीवाल जी की, और आपके झारखंड के मुख्यमंत्री जी उनकी भी गिरफ्तारी गलत है, क्योंकि सरकार जो है मोदी सरकार राहुल गांधी से, कांग्रेस से, ओपोजिशन से डरी हुई घबराहट है, क्योंकि 24 में ये आने वाले नहीं है। लोकतंत्र से बात करें ना, तानाशाही मत करें ना, झूठे केस बनाओ, खाते फ्रीज कर दो, तो डरे हुए ना, ओपोजिशन को डराओगे धमकाओगे? ये पहली दफा हुआ ये मोदी जी डरे हुए, इससे पता लगा घबराए हुए, डरपोक और कमजोर सरकार है। मोदी जी किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो फिर बाद में हाथ झाड़ते हैं, राहुल जी गले लगाते हैं। उनके रहते हुए गरीबी कम हो गई, गरीबी सिर्फ 5% रह गई है। तभी गरीबों से हाथ मिला के हाथ झाड़ लेते हैं, राहुल जी गरीबों को गले लगाते हैं, कुलियों को गले लगाते हैं, मजदूरों को गले लगाते हैं, सब्जी बेचने वालों को गले लगाते हैं। मोदी जी नहीं आने वाले, नहीं आने वाले चुनाव तो ईवीएम से नहीं आने, चुनाव वो मोदी जी नहीं आने वाले। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी नहीं आने वाले, मोदी जी घर बैठे सत्ता में, मोदी बीजेपी सरकार नहीं आ रही। हम चैलेंज करते हैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी नहीं आने। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। 2024 के लोकसभा के चुनाव के ऐलान के बाद, उसके बाद जो है विपक्ष पे लगातार जो जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है, केजरीवाल जो गिरफ्तार हो चुके, और आज आपको बता दें कि आज उनकी कोर्ट में पेशी है, लेकिन सवाल यही, क्या उनकी गिरफ्तारी सही है? इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक जी। सर क्या कहेंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी सही है? बिल्कुल गलत है, गिरफ्तारी गलत है केजरीवाल जी की, और आपके झारखंड के मुख्यमंत्री जी उनकी भी गिरफ्तारी गलत है, क्योंकि सरकार जो है मोदी सरकार राहुल गांधी से, कांग्रेस से, ओपोजिशन से डरी हुई है, घबराहट है, क्योंकि 24 में ये आने वाले नहीं हैं। तो राहुल जी की बातों से, क्योंकि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, उससे ये घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है अब हम सत्ता में नहीं आने वाले और आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो राहुल जी की यात्राएं हैं लोगों के दिलों में समा चुके हैं, लोग उनको पता है जो राहुल जी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, जो मोदी जी कह रहे हैं वो झूठ है। लेकिन डर कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आरोपियों को अंदर करना क्या गलत है? आरोपियों कोई आरोप देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, आप पहले ही गिरफ्तार कर लेते हो, आरोप साबित नहीं होते, आरोप तो लगता है तब गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट बनती है, FIR होती है, आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। ये पहले गिरफ्तार करते हैं बाद में ये बताते हैं। लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है ना? किस बात की कार्रवाई, किस बात की कार्रवाई? मैं आपको बताया ये ED और CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ED CBI हटा लो, मोदी जी कहीं कुछ नहीं। देखे ना, ED CBI की वजह से इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ, कितना बड़ा घोटाला, पूरी दुनिया में तहलका मचा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला बताया। घोटाला क्या अकेले बीजेपी ने किया था, कोई और पार्टी ने चंदा नहीं लिया नहीं, था कोई क्या? पार्टी चंदा नहीं, सब बीजेपी ने लिया है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदा लिया। अब हर बार बीजेपी को टारगेट कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी ने चंदा नहीं लिया कहा, यही टारगेट में यही है, 500 करोड़, 52 करोड़, कोरोना में जिन्होंने वो दिया इंजेक्शन उनसे 52 करोड़ रुपए एक ही दिन में ले लिया, किसी से 500, किसी से 1000। अगर लोकतंत्र की हत्या होती है, तानाशाही सरकार होती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का आंकड़ा नहीं बताते? ये आंकड़ा सरकार ने बताया मैडम, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, ये कहाँ बता रहे थे? कोरोना काल से इनका चलता आ रहा था सारा घोटाला, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, तब ये घोटाले सामने आए। इन्होंने बताया क्या? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने करा तभी तो हुआ ये, वैसे क्या कैसे कर सकते? ये तो घोटालेबाज लोग हैं, सरकार की आड़ में ये घोटाले करते रहे, फंड इकट्ठा करते रहे लोगों से, जिसकी आमदनी 2 करोड़ नहीं तो उससे 100-100 करोड़ रुपए इन्होंने रिश्वत लिया। लेकिन जो पैसा लिया है तो जनता के लिए ही तो लगाया है, अब देख लीजिए ना क्या रोड बन रहे हैं। ये जनता कहाँ है, कहाँ लगा रहे हैं जनता से जेब? रोड बने हुए नहीं दिख रहे हैं, वंदे भारत नहीं दिख रहा है। अरे कहाँ दिख रहे हैं आपको वंदे भारत, ये देखे रोड बने 15 साल से, जब कांग्रेस का शासन 15 साल, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हमारे अरविंदर सिंह लवली जी भी उसमें मंत्री थे, उन्होंने सारा जितना विकास किया ये किया उन्होंने, उसके बाद एक भी सड़क नहीं बनी, एक भी ब्रिज नहीं बना, ये सिर्फ इन्होंने महंगाई करी। हम उन्होंने महंगाई पे भी कंट्रोल किया था, क्योंकि ये योजना बनाते थे अरविंद सिंह लवली जी को, आपने सुना कभी? वो ये लोग पहले बैठ के अपना मंत्रिमंडल योजना बनाते थे कि क्या करना है, लोगों के हित की बात करते थे, ये लोगों को हित की बात ना करके लोगों से जेब से पैसा। योजना तो 47 तक की बन गई है ना, किसकी 47 तक की बन गई है, विकसित भारत बनाएंगे, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना मैडम, पल में क्या है जो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता पल में क्या हो जाए। ये तो बकवासबाजी करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ झूठ का पिटारा इनके पास है, जुमले का पिटारा इनके पास है, सच्चाई इनके कोसों दूर है, सच्चाई इनके पास नहीं है, कोसों दूर है इनकी सच्चाई।
लेकिन इस तरीके से एक जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जो एलजी ने बोल दिया है कि सरकार जो है जो दिल्ली जो है जेल से नहीं चलेगी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, एलजी ने क्या कहा, एलजी तो वही उनके हैं, सरकार के ही हैं। एलजी तो वो थे अपने गवर्नर साहब मलिक साहब थे, उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल के इनका रख दिया काले कारनामे, पुलवामा के कितने शहीद हो गए वो थे गवर्नर साहब। ये क्या, ये तो मनमानी, ये तो लड़ाई करवाने वाले लोग हैं। सवाल यही है ना, जेल से दिल्ली कैसे चलाई जाएगी? दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली ने, पूरी दिल्ली ने जिताया सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने बनाई सरकार, क्या सरकार को अधिकार नहीं है? ये जो मोदी सरकार है, आप देखिए हमारे कांग्रेस के सारे खाते सील कर दिए। जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रेन के लिए जाने के लिए पैसे नहीं हैं, पोस्टर छपाने के लिए पैसे नहीं हैं, हैं तो इनके पास 8,000 करोड़ के प्लेन में जाते हैं मोदी जी, तो वो भी सरकार का दुरुपयोग है ना। ये क्या, ये प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्लेन में ही जाएंगे ना? देखिए लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं संविधान के खिलाफ। इनको पता सबसे मजबूत हैं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी से डरते हैं, घबराते हैं। राहुल जी कैसे व्यक्ति हैं जो मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से? विपक्ष पे आरोप लग रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, खाते जो है सीज हो रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डरते हैं? ये सरकार में जो मर्जी बोले कुछ भी बोले, ये झूठ कपड़े हैं, कोई सच्चाई नहीं है इनमें कोई भी। देश के लोग 140 करोड़ राहुल गांधी की बातों पे यकीन करते हैं, मोदी जी की बातों पे यकीन नहीं करते। ये देश के लोगों को पता लग गया ये झूठ है, राहुल जी सच है, राहुल जी जो कह रहे हैं सच है, सोनिया जी बोलती है सच है, प्रियंका जी सच है, खड़गे साहब सच है, तो मोदी जो बोलते हैं झूठ है वो। सारा ओपोजिशन को डराओगे धमकाओगे हैं? लड़ाई करने का मजा तब आता है कि सामने ओपोजिशन मजबूत हो, आ जाओ भाई लड़ लो। आप खुद ही कह रहे हैं कि ओपोजिशन मजबूत नहीं है। तो हम मजबूत है ना, लोकशाही लोकतंत्र से बात करें ना, तानाशाही मत करें ना, झूठे केस बनाओ, खाते फ्रीज कर दो, तो डरे हुए ना। किसी का खाता सील करना, कांग्रेस ने 70 साल में किसी का खाते सील किए बताइए मुझे? 70 साल कांग्रेस ने राज किया, किसी भी ओपोजिशन का खाता कभी आज तक सील नहीं किया कांग्रेस ने, ये पहली दफा हुआ। ये मोदी जी डरे हुए, इससे पता लगा घबराए हुए हैं, डरपोक और कमजोर सरकार है। राहुल जी निष्पक्ष हैं, सच्चे हैं, देशभक्त हैं, उनकी भावना देश में काम करने की, लोगों के काम, गरीबों के लिए काम करने की। राहुल जी कुलियों को बोझा उठाया, मोदी जी उठा सकते हैं? नहीं उठाए। मोदी जी किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो फिर बाद में हाथ झाड़ते हैं, राहुल जी गले लगाते हैं। उनके रहते हुए गरीबी कम हो गई, गरीबी सिर्फ 5% रह गई है। तभी गरीबों से हाथ मिला के हाथ जाड़ लेते हैं, राहुल जी गरीबों को गले लगाते हैं, कुलियों को गले लगाते हैं, मजदूरों को गले लगाते हैं, सब्जी बेचने वालों को गले लगाते हैं। ये है फर्क राहुल जी में मोदी जी में। मोदी जी गरीब आदमी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ जाड़ते हैं, कभी सुना ऐसा? बताइए, ये दिल कहता है किसी हाथ मिलाओ आप गले लगाने से देश चलेगा क्या? गले बिल्कुल, देश ये भावना है, देश से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, ये पता लगता है हाथ जाना, लोगों से प्यार नहीं करते। आप बताइए, आप ये बताइए, जनता के लिए समर्पित कैसे बोल रहे हैं वो? जनता के लिए आप मुझे बताइए, गले लगाना अच्छा है या हाथ जाना अच्छा है? बताइए, गले लगाना अच्छा है ना? हाँ। तो फिर तो इसीलिए राहुल जी को सब चाहते हैं, क्योंकि सच्चे हमारी नीतियाँ स्पष्ट है, साफ नीतियाँ हमारी, हम गुमराह नहीं करते, जुमलेबाजी नहीं करते, झूठे वादे नहीं करते देश में। कांग्रेस ही ये है, हमें कांग्रेस ने ये सिखाया, कांग्रेस के सिपाहियों राहुल जी ने ये सिखाया, डरो मत, झूठी बात मत करो पब्लिक में। एक सवाल और उठ रहा है कि ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष भी आवाज उठा रहा था कि ईवीएम हटनी चाहिए, लेकिन अभी भी ईवीएम नहीं हटी है, चुनाव उसी से हो रहा है। देखिए वो तो एक संवैधानिक मुद्दा है, कोर्ट में भी चल रहा है मामला, वो सारा उस चीज में मैं बोलूंगा, लेकिन जो पहले हुआ है वो ईवीएम से गड़बड़ी से हुआ सारा, तो सरकार इनकी पहले भी नहीं आती मोदी जी की, तो सारी गड़बड़ सबूत हो गया है। लेकिन अगर अभी भी अगर ईवीएम से चुनाव तो सरकार तो फिर मोदी की आएगी, फिर आप लोग बोलेंगे ईवीएम में धांधली है। मोदी जी नहीं आने वाले, नहीं आने वाले चुनाव तो ईवीएम से नहीं आने, चुनाव वो मोदी जी नहीं आने वाले मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी नहीं आने वाले, मोदी जी घर बैठे सत्ता में, मोदी बीजेपी सरकार नहीं आ रही। किस बिना पे कह रहे हैं मोदी जी नहीं आ रहे? हम चैलेंज करते हैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी नहीं आ रहे, राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी बिल्कुल, राहुल गांधी 100% राहुल गांधी इंडिया गठबंधन। हर जगह उनको ही वोट मिल रहे हैं, जनता तो कह रही है, जनता कह रही है इलेक्शन हो गए अभी तो, आप 25 तारीख से शुरू है इलेक्शन, मई में शुरू है, आपको बता दें इलेक्शन जो होंगे ना पता लग जाएगा कि किसको वोट पड़ रहा है। मोदी जी बीजेपी को लोगों ने दरकिनार कर दिया, धरातल में चली गया, 10 साल बर्बाद किए ना लोगों के जहन में, क्या है दिमाग में, क्या लोगों में, 400 रुपये किलो टमाटर खरीदा है,
600 रुपए किलो लहसुन खरीदा है, 400 रुपए किलो अदरक खरीदा है, घी जो रिफाइंड, गैस के दाम 1250 रुपए, महंगाई लोगों की रसोई को छोटा कर दिया, महंगाई कर दी रसोई। सबसे बड़े मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी रहेगी इस इलेक्शन में, मोदी जी कहीं नज़र नहीं आ रहे, इसलिए भी डर के मारे ये अपने वो कर रहे हैं, मुकदमे कर लो, झूठे के लो, जेल में डाल दो। अरे सच्चे लड़ो ना, लोकतंत्र है, सामने आओ। तो बेरोजगारी के ऊपर राहुल गांधी जिस तरीके से गारंटियां लाए हैं वो मोदी जी को ही कॉपी कर रहे हैं। मोदी जी हमारी कॉपी कर रहे हैं, मोदी जी पे कोई गारंटी है ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। जो राहुल जी ने भी 5 गारंटी पहले तो मोदी जी लाए थे, उसके बाद राहुल गांधी ला रहे, उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। हमने जो कहा वो किया, किसानों के कर्जे माफ किए राहुल जी ने कहा, पहली कैबिनेट कर्जे माफ हुए, इनको किसानों को भी MSP दी, 700 किसान शहीद हो गए चले गए, झूठ बोला उन्होंने किसानों से, अभी तक किसान बैठे, कितने किसान शहीद हुए, तो ये झूठ की सरकार है। तो राहुल जी गारंटी पे कैसे विश्वास करें? सारे देश देखिए, पूरा देश इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरा देश बनाया, इंदिरा जी का पूरी दुनिया उनका सिक्का मानती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपकी श्रीमती प्रियंका गांधी, आपके श्री सोनिया गांधी जी, लोग इन पे विश्वास करते हैं। इंदिरा जी ने काम किए, राजीव जी ने काम किए, लाल बहादुर शास्त्री ने काम किए, दुनिया इन पे सिक्का मानते हैं। आप ऐसे ही खड़े होंगे? ये 14 के बाद मिली हमें आज़ादी, ये 14 के बाद देश बना है, पहले नहीं बना। ये सारी इमारतें कैसे हैं? तो उनका तो यही कहना है ना, कंगना की 2014 के बाद ही मिला है, 47 में तो हमें सिर्फ भीख दी गई थी। ये वही कंगना रनौत है, क्या है जिनको बोला देश के लोगों, मेरी फिल्म फ्लॉप होगी, देश के लोग देशद्रोही, ये कंगना जी बोलती है, 140 लोगों को कहती है कि देशद्रोही है, और उसी से तुम वोट मांगने जा रही हो। किस तो कह रही है कि आरक्षण भी नहीं होना चाहिए जो SC ST कास्ट के लिए होता है। कंगना जी जो देखिए, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो बहुत बुरी तरीके से हारेंगी, बहुत बुरी तरीके से हारेंगी, क्योंकि हिमाचल में नड्डा जी अपनी सरकार तो बचा नहीं पाए थे, अनुराग ठाकुर अपनी सरकार तो बचा नहीं पाए थे, तो इसको कहाँ जिताएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं, बड़े अच्छे तरीके से बड़ी बुरी तरह से हारेंगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी जी नहीं आएंगे, चाहे EVM से चुनाव हो, चाहे कैसे भी है, राहुल गांधी ही आएंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर।